नमस्कार दोस्तों। एक समय किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहा करता था। साहूकार का विवाह नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की से हुआ था। एक बार वो अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन ससुराल गया और पत्नी के माता पिता से विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और उसने बोला कि ये सब वहम और बेकार की बातें हैं। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी तो साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बैठा कर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? साहूकार ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग या बहरूपिया हो। या मेरी पत्नी है, मैं इसे पेड़ के नीचे बैठा कर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। पत्नी भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने उन दोनों को कारागार में डाल देने को कहा। राजा के फैसले को सुनकर असली साहूकार भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, साहूकार तूने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। साहूकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की आशीर्वाद से राजा ने साहूकार और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर नगर की ओर चल दिए। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्द ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई।
बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं और सुख वैभव सबका खूब बुद्ध देव भगवान की कृपा बनती है। हमारी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद जी।